Rhino, dra. Rhino, come. Right. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. Hello friends, welcome to Rosie and Rhino Vlogs. तो ये हमारा राइनो है और रोजी हमारी पीछे रहेगी। रोजी आ जल्दी कम। अच्छा बस 1, 2। जब ऐसे सुंदर पहाड़ खोदे जाते हैं, जमीन पूरी खुदाई करके सड़क निकाली जाती है, तो बहुत बंदा लग रहा है। देखो ये डेवलपमेंट तो ठीक है, बट नेचुरल डिजास्टर जब आते हैं तो आदमी हाहाकार मचा देता है। ये हो गया, वो हो गया, होगा ही जब हम लोग मानेंगे ही नहीं। रोजी रैनो की डिवॉर्मिंग हुई आज, इनको दवाई दी है, बहुत ही इफेक्टिव है। और रैनो का पेट साफ हो गया है। रैनो लगता है पेट साफ हो गया तेरा ना। वो देख आगे, देख कौन आया। और प्रिंस क्या हाल है, आ गया क्या? लंगड़ा लंगड़ा क्यों चला हुआ है? राइनो आज कुछ ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। इतने दिनों से घास खा रहा है, आज तो नहीं खा रहा। तो वो डिवॉर्मिंग करवा के, इनका एक प्रोसेस होता है डिवॉर्मिंग का, 2 या 3 महीने बाद करवानी पड़ती है। उससे इनके पेट की जितने वॉर्म्स होते हैं सारे उल्टी या फिर पॉटी से निकल जाते हैं। ये फ्रेश फील करते हैं थोड़े, इनका कोट भी सुंदर रहता है, देखने में भी अच्छे हेल्दी ब्यूटीफुल। तो इनको थोड़ा साइड करना पड़ा। हरीजन है ये बंदा, पर जो है ये बहुत ख़तरनाक है। अब जो डॉगी है उसकी स्मेल है यहाँ पे, और भाई ना बिल्कुल अग्रेसिवली इधर उधर जा रहा है, सोच रहा खुशबू में से निकल जाएगा और मैं लड़ूंगा। भाई ना साइड हो जा। और रोजू को भी कुछ सुनाई दिया, कितनी फास्ट चली अभी। जब कोई ख़तरा महसूस होता तो जैसे अभी रोजी के जो मिडल वाले जो है जो बिल्कुल खड़े हो गए हैं सींग की तरह, इसका मतलब है कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है इसको। साइड रहा साइड। राइनो ने सारे पैटर्न समझ लिए हुए हैं। इसको हम फ्रीली चलाते हैं, खुला चलाते हैं, जैसे ही इसको ये लीस बांध ली, इसको पूरा पता है कि आगे कोई डॉगी होगा इसलिए मेरे को बांधा जा रहा है, तो पूरा अग्रेसिवली ये चलना शुरू कर देता है, इधर उधर सर्च करना शुरू कर देता है कि हाँ कहीं तो डॉगी है, मुझे लड़ना है। जैसे इसको लीस बांध ली, इसका एक ही एक्शन होता है, बस भागो भागो और पकड़ो कहाँ है डॉगी। और जैसे घर का दरवाज़ा खोला तो उसी टाइम बाहर चलेगा साथ में कि चलो घूम ही चलते हैं। क्या नमस्ते बेटा, कैसे हो, ठीक हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? ओके चलो बच्चों, चलो 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 चलो। कहाँ ब्रेक मारी इसने जाके, फिर सीधा ये आएगा कैमरे के पास, आएगा सीधा कि हाँ क्या हुआ। तो बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चे जहाँ दिखेंगे फटाफट चला जाएगा उनके साथ खेलने के लिए, किन के साथ खेल लेता हूँ थोड़ी देर। ये देखो रोजी अपोजिट साइड जा रही है। राइनो इधर, राइनो कम, राइनो चल आ जा, आ जा।
इस बिल्ली ने राइनो का टाइम नोट किया हुआ है, जैसे ही आते हैं घूम के वैसे ही यहाँ पे इनको छेड़ने के लिए आ जाती है और पेड़ पे चढ़ जाती है। नहीं आएगी, नहीं आएगी, तेरे हाथ नहीं आएगी ये। देखो 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 इस बिल्ली क्या हुआ, पकड़ नहीं आए, ये नहीं पकड़ेगी बेटा। चल आ जा, कहाँ छुपी है, वहाँ छुपी है, देख वहाँ छुपी। चलेगा नहीं बोलेगा, चलो रहने दो फिर, रहने दो, बाय तो बोल दो। हाँ बाय तो अच्छे से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजी एंड रैनो ब्लॉग्स। तो अभी शाम को निकाले हैं घूमने के लिए, ये रोजी चली है सुस्ती पीछे और ये इस साइड का मौसम थोड़ा ठीक है सर, घने बादल हैं और डार्क बिल्कुल बारिश होने को तैयार है। ये नीचे ढली हाईवे भट्टा के ऊपर तो पूरा हो गया हुआ है, ये रासंजौली पूरी की पूरी कवर हो गई है बादलों से, ये सामने भट्टा के ऊपर, ये नीचे हाईवे, ये ऐसे भी है। चलो बच्चों, इसी के साथ बारिश तेज होगी, हमें निकलना चाहिए। वो देखो वहाँ देखो कहाँ जा रहा है, हैं? अच्छा समो, देखते ही देखते बारिश एकदम तेज होगी और बारिश की बूंदी इतनी ठंडी बर्फ की तरह, हालांकि गर्मी का टाइम है लेकिन बारिश बहुत ठंडी बूंदे ऐसी पड़ रही है जैसे रोजी ने तो स्पीड कर लिया, भाई अपन तो चले घर। ये देखो ये बंदा इधर उधर घूम ही जा रहा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या, कहाँ पर फंसी, भाग जल्दी भागो, ओ शिट, गधा ना देखता कुछ नहीं है। ये देखो बारिश के चलते हमें भाग के आना पड़ा, इवनिंग वॉक हमारा 10-15 मिनट का भी नहीं हुआ, 5 मिनट का हुआ। क्यों रोजी, प्रिंस चल रहा चुपचाप, प्रिंस कौन बना यूवी, सच में यूवी, यूवी तुमने, हमें मेन जो शेफ होते हैं उनकी तो देखनी है। गोलगफ्फे किसने बनाया, प्रिंस ने, प्रिंस क्यों छुप रहा है यार, यश भी बना रहे हैं इतनी टेस्टी गोलगफ्फे, यहाँ पर बहुत रश होता है इस टाइम पर, मेरे को पता नहीं कैसे क्योंकि बारिश लगी है तो चांस मिल गया थोड़ा गोलगफ्फे खाने का, तो अभी खाते हैं पहले देखते हैं टेस्ट करके गोलगफ्फे। यू भी घर में बनाते हैं, आज गाने सुनते हैं ना, आज डालूंगी मैं, आज ही डालूंगी इस वीडियो को, रुक जा। बस काफी हो गया, इसको धीरे धीरे ऐसे लगी रहेगी।